नमस्कार मित्रों, हनुमान जी को हमारे धर्म में बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। वैसे तो ज़्यादातर लोग हनुमान जी के मंत्रों का जप या हनुमान जी की आराधना मंगलवार को करते हैं, मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आज आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका जप किसी भी वार को किसी भी नक्षत्र के अंदर किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति के अंदर किया जा सकता है। देखिए, कई देवताओं की उपासना लोग करते हैं, लेकिन खास करके हनुमान जी की उपासना जो है उसके करने के बाद में काल भी उस व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो कि हनुमान मंत्रों के जप करते हैं। इसका कारण है कि हनुमान जी को रुद्र यानी भगवान शिव का साक्षात अवतार माना गया है, और कलयुग में अमरत्व के वरदान के कारण हनुमान जी के पास असीम शक्तियां हैं, और आज भी गुप्त गुफाओं में कंदराओं में जरूर विराजमान हैं। काफ़ी लोगों को दर्शन भी हुए हैं, यहाँ तक कि विदेशों के वैज्ञानिकों तक को दर्शन हो गए थे और वो मूर्छित अवस्था में पाए गए। इसका तात्पर्य यह है कि हनुमान जी आज भी विद्यमान है और अपने अमृतत्व के वरदान के कारण वह हमारा भला करने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में अमंगल को मंगल करने के लिए सभी कोशिशें कर चुके हो फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको हनुमान जी का जो मंत्र बताने जा रहा हूँ उसके जाप से आपके सारे अमंगल कार्य मंगल हो जाएंगे। शिवजी का अंश होने के कारण मंगल के शुभ होने पर व्यक्ति समस्त सांसारिक सुखों को पाता है, मगर अगर मंगल किसी का अशुभ हो जाता है तो संतान, भूमि, धन, विवाह, पुत्र, विद्या, रोग आदि से जुड़ी काफ़ी परेशानियों, दुखों का उसको सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि अपना मंगल को मंगल करने के लिए हमें हनुमान जी के मंत्र का जप करना जरूरी है, और जो मैं आपको मंत्र बताना चाहता हूँ वह बड़ा ही सामान्य है और छोटा मंत्र है और आसानी से इसका जप किया जा सकता है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम हनुमते सुवीर्य सुमुद्भाय नमः। मंत्र दोबारा सुने, ओम हनुमते सुवीर्य समुद्भाय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है और मंगल देव का ध्यान करके यानी कि हनुमान जी का ध्यान करके लाल चंदन लगे हुए लाल फूल और लाल चावल यानी कि चावल को भी लाल रंग में रंग दीजिए, और उसके बाद में आप हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी की तस्वीर के चरणों में उसको लेपित कर दीजिए, जिससे कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रथम दिन आपको एक माला का जप करना है, उसके पश्चात घर से बाहर निकलते वक्त या सुबह और रात्रि में सोने से पहले 3 बार मंत्रों का उच्चारण करना है, और 3 बार मंत्र बोलने से ही आपका दिन शुभ जाएगा। और रात को सोकर के सोने से पूर्व अगर आप 3 बार इस मंत्र को बोलते हो तो बुरे सपने, बुरे विचार नहीं आएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी और अगला दिन भी आपका शुभ होगा, शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, इसमें संदेह नहीं है। और इस बात का ध्यान रहे कि अनुष्ठान में चमेली के तेल का दीपक जलता रहे, आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और सिंदूर हनुमान जी को प्रिय है तो सिंदूर का अवश्य उपयोग हनुमान जी की साधना में किया जाता है, और एक माला प्रथम दिन आपको करनी है। और इस मंत्र के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस मंत्र की एक माला 1.25 माह तक कर लेता है तो उसे अभीष्ट सिद्धि मिलती है, यानी कि उसकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।